अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस के अवसर पर गया कॉलेज गया राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों द्वारा NSS स्वयं सेवक विशाल राज के नेतृत्व में गोद लिए हुए स्लम एरिया के लोगों के बीच कपड़ों का वितरण का कार्य शुभारंभ हो गया। पिछले साल की तरह इस साल भी NSS के स्वयं सेवकों ने ठाना है कि कोई भी व्यक्ति ठंड के कारण तकलीफ में ना रहे, इसलिए विशाल राज के नेतृत्व में हफ्ते में 2-3 कपड़े वितरण का सिलसिला जारी रहेगा। ये वही कपड़े हैं जो लोग अक्सर फेंक दिया करते हैं या फिर उपयोग में नहीं लाते हैं। इसे पाकर लोगों के बीच खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट गया। ठीक है, सब लेकर लोग जितना कपड़ा, मतलब यहाँ जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसा कपड़ा है? ठीक है, ठीक है। कैसा पहनने लायक है? तुमको मिला कपड़ा? हाँ मिला, जींस। जींस मिला, पहने का ना उसको? पहनने के। और बताओ। ठंड हो गया, जिस तरह का ठंड है यहाँ पे, बिलो BPL है सारे, तो इन लोग को बहुत नीड था। हम लोग एक बार यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, देखे बहुत लोग सिकुड़ रहे, शिवरिंग कर रहे थे, तो हम लोग सोचे कि यहाँ पे दे देना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि जिनको जरूरत पड़ता है उनको चाहिए, जिनको नहीं जरूरत है उनके लिए तो मॉल है, मार्केट है, इनके लिए तो हम ही लोग जैसे लोग रहेंगे तभी इनको कुछ होगा। नाम? मेरा नाम रौनित है। आज 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के शुभ अवसर पर, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ठंड का मौसम आ गया है तो लोग को गर्म कपड़े की भी आवश्यकता है, तो इसलिए हम सभी लोग राष्ट्रीय सेवा योजना गया कॉलेज द्वारा गोद लिए हुए स्लम एरिया में पुलिस लाइन में हम लोग कपड़े का डिस्ट्रीब्यूशन करने आए हैं, और यहाँ काफ़ी से काफ़ी संख्या में लोगों को हम लोगों ने गर्म कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और हम सभी राष्ट्रीय सेवा योजना ने यह ठाना है कि जब तक ठंड चली नहीं जाती तब तक हर हफ्ते में 2 दिन हम लोग यहाँ आएंगे और लोगों के बीच, ज़रूरतमंद लोगों के बीच कपड़े का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि जिन किसी के पास भी ना इस्तेमाल करने योग्य कपड़े हैं, अगर वो कहीं इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं, मतलब नहीं करेंगे इस साल, तो अपना कपड़ा हमें दे सकते हैं, हम उसे अच्छे से धोकर प्रेस कर हम जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएंगे। विशाल राज, NSS ग्रुप लीडर, राष्ट्रीय सेवा योजना गया कॉलेज। गया।